नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में, जहां एक और कल दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शन करने वाले पहलवान देश भर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था वो कल खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि पहलवान लगातार ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकार को झुकाया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करवाई जाए। तो वहीं दूसरी ओर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, आपको बता दें कि वो जल्द ही अयोध्या में एक शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। कहने को तो ब्रजभूषण इस शक्ति प्रदर्शन में गेस्ट के तौर पर जाने वाले हैं, साधु संतों के साथ वो इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में जो हार ब्रजभूषण के गढ़ में बीजेपी को मिली है, इसे कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करने के लिए ब्रजभूषण ये शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का पहलवानों को लेकर एक काफी ज्यादा चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। यानी कि सीधे सीधे वो पहलवान जिन्होंने देश के सम्मान के लिए मेडल्स जीते, आज ब्रजभूषण उन्हें अपने खिलाफ साजिश करने वाले कह रहे हैं। पहलवानों के इस प्रदर्शन को राजनीतिक हथकंडा बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, ब्रजभूषण ने ये तक कह दिया कि देश के लिए जो मेडल्स जीत कर लाए हैं ये पहलवान, उनकी कीमत महज 15 रुपए है। किसी की आप जिंदगी भर की मेहनत की कीमत सिर्फ 15 रुपए आंक रहे हैं। हो सकता है वो ब्रजभूषण जिन्हें कुछ नहीं करना होता अपनी जिंदगी में, वो इन मेडल्स को 15 रुपए का कह सकते हैं। लेकिन जिस खिलाड़ी ने उस मेडल को जीतने के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी हो, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खेल के लिए समर्पित कर दिया हो, देश के लिए समर्पित कर दिया हो, वो शायद इस मेडल्स की कीमत को समझ सकता है, ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगातार आरोप लगा रहे खिलाड़ियों की मांग है कि उनकी गिरफ्तारी हो, कानूनी रूप से जो जांच है वो हो और उसके हिसाब से ही उन्हें सजा मिले। लेकिन आपको बता दें कि बीते 28 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की मांगों पर अभी तक सिर्फ ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हो पाई है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उनकी पार्टी के नेता उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। अब इसे लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि शायद साल 2024 में पार्टी के वोट बैंक पर कोई असर ना पड़े, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक दबदबा इतना ज्यादा है कि शायद इस वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहरहाल, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।